वेलकम टू MSV केमिस्ट्री चैनल। टुडेज टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम इनके वह एलक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट कंपाउंड्स वह पाकपर कोवलेंट कंपाउंड्स वह एलक्ट्रॉन एपी डिस्प्लेस आगे इनकी टू एफेक्ट्स वह पाको, इंडक्टिव एफेक्ट एंड एलक्ट्रोमेरिक एफेक्ट। इंडक्टिव एफेक्टना तमिल वह तूंडल विलेव अब अभी वो टू टाइप्स ऑफ प्लस आई एफेक्ट माइनस आई एफेक्ट। इंडक्टिव एफेक्ट वो आई एफेक्ट। इंडक्टिव एफेक्ट वो पर्मनेंट एफेक्ट, इत वो पर्मनेंट आन चेंज पड़ मुड़ा इतपुर चेंज आगुना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के वलिया इलेक्ट्रॉन वो डिस्प्लेस इत वो पर्मनेंट एफेक्ट। इत एपोना प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड एट वन एंड ऑफ द चेन। पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो कार्बन चेन CH3 CH2 CH2 CH3 कार्बन चेन वन एंडल वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट आचा इत वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस अंतन वाले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस इतना इंडक्टिव एफेक्ट। इत वो तूंटे तूंडल विवे कमी आगे इंडक्टिव एफेक्ट कमी आगे लास्ट इतना CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 स्टार्ट आचा नेक्स्ट लास्टाक फोर्त कार्बन आटम वरुद अब वो कमी आंद एफेक्ट वो कमी आगे फर्स्ट कार्बन आटम एफेक्ट वो अधिक डिक्रीस आन मूविंग अवे फ्रम आटम्स अटमेंटम वो इंडक्टिव एफेक्टो अूव आग आग दूर अधिक अधिक इंडक्टिव एफेक्ट वो कमी आटे वो विच इनवालव इन इनिशियल पोलर बॉन्ड। इनिशियल पोलर बॉन्ड इंडक्टिव एफेक्ट कंपेर पड़े लास्टाक लास्ट कार्बन आटमो इंडक्टिव एफेक्ट वो एम कमी वो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड कार्बन आटम्स नम्बर मेन पापो हाइड्रोजन स्टैंडर्डा अभी वो चेंज आगा हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन सॉरी बेस्ड ऑन हाइड्रोजन पर टू कैटेगरीस उन्होंने वो प्लस आई एफेक्ट माइनस आई एफेक्ट। इन माइनस आई एफेक्ट वो एपू अब पाक आटम्स हैविंग इतना और कार्बन आटम अद्क वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पवर वो हाइड्रोजन विट अधिक अब माइनस आई एफेक्ट ऐसा अद इलेक्ट्रॉन सो एपो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट पड़े पाको हाइड्रोजन विट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पवर वो कमिया माइनस आई एफेक्ट इतना इलेक्ट्रॉन विथ्रॉइंग और अट्रैक्टिंग रूप्स माइनस आई एफेक्ट। प्लस आई एफेक्टना आटम्स हैविंग एंड अट्रैक्टिंग लेस देन हाइड्रोजन। आटम्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पवर वो हाइड्रोजन विट कमिया अभी वो प्लस आई एफेक्ट। माइनस आई एफेक्ट प्लस आई एफेक्ट वो एक्साम्पल्स पाक माइनस आई एफेक्ट पर नाइट्रो कंपाउंड्स आई एफेक्ट इंडक्टिव एफेक्ट वो अधिक। नेक्स्ट CH कंपाउंड्स अदको COOH एसिड कंपाउंड्स अदको COOR एस्टर कंपाउंड्स अब हैलोजन पर ग्रूप हैलोजन फर्स्ट वो फ्लोरीन वो अधिक इंडक्टिव एफेक्ट अदर क्लोरीन के कमी आगे ब्रोमीन आयोडीन भी डिक्रीस आगे वो हैलोजन ग्रूप माइनस आई एफेक्ट। नेक्स्ट अल्कोहल अल्कोहल ग्रूप अदर OCH3 ईथर कंपाउंड C6H5 फिनाइल हार्मोन कंपाउंड्स हाइड्रोजन के दाँ लोयर माइनस आई एफेक्ट माइनस आई एफेक्ट पर हाइड्रोजन कमी। प्लस आई एफेक्ट वो टर्शियरी कंपाउंड CH3 ट्राईसी अद्क ई एफेक्ट अधिक अदको CH3 ट्वाइस सेकेंडरी CH के अधिक अदको CH3 CH2 मीथेन कंपाउंड्स नेक्स्ट CH3 वो टर्शियरी कंपाउंड्स के दाँ इंडक्टिव एफेक्ट अधिक कड़सी मीथेन कंपाउंड्स वो कमिया इलेक्ट्रोमेरिक एफेक्ट वो नम्बर इलेक्ट्रोमेरिक इतना इत वो टेम्प्ररियान एफेक्ट इंडक्टिव एफेक्ट कंपेर पड़े इलेक्ट्रोमेरिक एफेक्ट वो टेम्प्ररी एफेक्ट पर्मनेंट क्या इंडक्टिव एफेक्ट वो एपी ई एफेक्टोमो अदारे इलेक्ट्रोमेरिक एफेक्ट वो इ एफेक्टोम इत वो टेक्स प्लेस आगना मल्टिपल बॉन्ड्स अभी वो अलॉन्ग द कार्बन चेन इंडक्टिव एफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक एफेक्ट वो मल्टिपल बॉन्ड्स डबल बॉन्ड इलाना ट्रिपल बॉन्ड वो रे आटम्स कड़ेना इलेक्ट्रोमेरिक एफेक्ट वो अगर इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू आटम्स जॉइंड बाय मल्टिपल बॉन्ड इत प्लस इ एफेक्ट अंड माइनस इ एफेक्ट टू टाइप्स इप्पो प्लस एफेक्ट वो पॉसिटिव इलेक्ट्रोमेरिक पॉसिटिव इलेक्ट्रोमेरिक एफेक्ट प्लस इ एफेक्ट वो पै इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टिपल बॉन्ड्स मल्टिपल बॉन्ड्स वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रांसफर आगे एंत आटम के ट्रांसफर आगुना इत रियजन और रियजन अटैक पड़ो अटैकिंग रियजन अंत अटैकिंग रियजन एंत आटम कूड़े वो जॉन आगो अंत आटम मल्टिपल बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रांसफर आगे फॉर एक्साम्पल
இப்போ வந்து சி டபுள் பாண்ட் சின்னு ஒரு ஆட்டம் குரூப் இருக்குது. இதோட அட்டாக்கிங் ரியேஜன் வந்து ஹச் ப்ளஸ். ஹச் ப்ளஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது ஒரு கார்பன் ஆட்டமாக அட்டாக் பண்ணுது. அந்த அட்டாக்கிங் கார்பன் ஆட்டமுக்கு தான் எலக்ட்ரான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு மீதி இருக்க இன்னொரு செகண்ட் கார்பன் ஆட்டமில் ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்து வந்துடுது. மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்னா நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு சொல்லலாம். இப்போ வந்து பை எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ், மல்டிபிள் பாண்ட்ஸில் இருக்க பை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ப்ளஸ் எஃபெக்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக எந்த ரியேஜன் வந்து எந்த ஆட்டம் கூட வந்து அட்டாச் ஆகுதோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஆட்டம் கூட இந்த வந்து மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் வந்து போயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உள்ள காம்பவுண்ட் பக்கம் சி டபுள் பாண்ட்ஸுங்கிற காம்பவுண்ட் இருக்குது. சிஹெச் மைனஸ் தான் அட்டாக்கிங் ரியேஜன். இது வந்து ஒரு கார்பன் ஐட்டம், ஃபஸ்ட்டு கார்பன் ஐட்டம் சி ஒன் வந்து போய் அட்டாக் ஆகுது. அட்டாச் பண்ணும் போது இந்த மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் டபுள் பாண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பக்கத்தில் உள்ள சி டூ கார்பன் ஐட்டமுக்கு வந்து தாவறனால போகிறனால அதில் வந்து மைனஸ் சார்ஜ் வந்து உருவாகிறது. சி ஒன் கூட சிஹெச் வந்து அட்டாக் ஆகிடுது. ப்ளஸ் சி எஃபெக்டில் அட்டாக்கிங் ரியேஜன் எந்த கார்பன் ஐட்டம் அட்டாக் பண்ணுதோ அதுக்கு தான் எலக்ட்ரான் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். பட் வந்து மைனஸ் சி எஃபெக்டில் அட்டாக்கிங் ரியேஜன் எந்த கார்பன் ஐட்டம் அட்டாக் பண்ணுதோ அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கார்பன் ஐட்டமுக்கு தான் பை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மல்டிபிள் பாண்ட்ஸில் உள்ள பை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். டுடே இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட்டு, எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் ரெண்டு எஃபெக்ட் வந்து பார்த்துருக்கோம். அதுக்கான சம் எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்துருக்கோம். நாளைக்கு வந்து வேறு எஃபெக்ட் வந்து பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.